मात्रा एक किसी जो घटना क्या है आप बताना चाहते आप डेट बताइए ना घटना है बताइए। अरे भाई ऑफेंस किसमें है 376 भाई आ गया यू आर प्लान नंबर आपकी अपील है सुनो अच्छा ये कौन है नरेंद्र इसमें ये कनेक्टेड अपील है अच्छा ठीक है तो सस्पेंशन है आपका जी लॉर्डशिप बताएं आप घटना कब की है लॉर्डशिप घटना 23/10/2013 की और आप कस्टडी में कब से हैं लॉर्डशिप पहले भी रहे अभी लॉर्डशिप 16/2/2022 से कस्टडी में उसके पहले उससे पहले भी लॉर्डशिप कस्टडी में रहे कितने समय 15 जनवरी 21 का फैसला है फैसला ये है 15/21 को आप क्या हुआ बारह ग्यारह तेरह से बारह तीन चौदह तक जेल में रहे जी लॉर्डशिप और उसके बाद अब आप 16/11/22 से जेल में जी है ना जी अच्छा ऑफेंस बताएं लॉर्डशिप ऑफेंस है लॉर्डशिप दिनांक 23/10/2013 को 23/10/2013 को वह अपने परिवार सहित खाना खाकर सो गया था। अरे भाई ऑफेंस किसमें है लॉर्डशिप 376D 376 जी लॉर्डशिप डी चलिए अब आप पढ़िए पहले केस प्रोसिक्यूशन का फैसले में पढ़िए अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी ने आरक्षी उन्नाव जिला दतिया में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर आई कि दिनांक 23/10/2013 को वह अपने परिवार सहित खाना खाकर सो गया था। उत्तरजीवी भी सो रही थी। सुबह करीब 6 बजे देखा तो उत्तरजीवी नहीं मिली। फिर उसने मोहल्ला व आसपास में पता किया तो महेश गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे उत्तरजीवी व आरोपी महेश कुशवाहा को पावर हाउस पर जाते देखा। आरोपी महेश कुशवाहा उसकी लड़की उत्तरजीवी के साथ पूर्व से बुरी नियत रखता था हरकतें करता था लेकिन उसने बदनामी के कारण किसी को नहीं बताया। आरोपी महेश कुशवाहा उसकी लड़की उत्तरजीवी को बहला फुलाकर शादी की नियत से अपने साथ भगा लेगा। दस्तयाब कब हुई लड़की दस्तयाब उसकी लड़की 3-4 दिन बाद ही दस्तयाब हुई अच्छा 23/10 को रात में गायब हुई है तो कब का है अच्छा फिर क्या हुआ उसका 161 हुआ जी 164 भी हुआ 161 का एग्जिबिट क्या है वकील साहब बताएं का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है वो क्या बोली है उसमें ये बोले लॉर्डशिप पढ़ दे रहा हूँ दिनांक 24/10/2013 को सुबह करीब 5 बजे पानी जब मैं पानी बहने के लिए बाहर को घर न देखा आई तो मैंने मुझे मेरे फोन की अर्चना या यादव आई उससे कहा कि चलो राखी घूम कर आते हैं। फिर अर्चना यादव मुझे लेकर सरसई त्राय पर पहुंची वहां पर मुझे महेश पुष्पा बल्ली नरेंद्र पुरोहित मिले और गुल्ली और नरेंद्र पुरोहित व अर्चना यादव ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी महेश पुष्पा के साथ करा देते हैं चलो कहीं। इसके बाद मैंने जाने से मना किया तो इन लोगों ने एक मुझे जबरदस्ती एक आपे में बैठाकर भंडेर की ओर फिर चले भंडेर की ओर से बस से बैठकर ग्राम सैतोल को गए। वहाँ बाहर एक कमरा में करीब 4 दिन रखा मुझे कमरे के बाहर नहीं निकलने देते थे। मैं और नरेंद्र पुरोहित व अर्चना यादव खाना खाते थे वहाँ से लाने के लिए वह मुझे नहीं है
महेश कुछ बार रात में दो तीन चार दिन में एक बार जबरदस्ती मेरी मर्जी के बिना बुरा काम किया। ये आया इसमें दिनांक 27/10/13 को करीब 12:01 दोपहर महेश कुशवा नरेंद्रपुर अर्चना गुल्ली कुशवा लेकर बस में बैठाकर डोंगरपुर ले गए। वहाँ पर महेश ने अपने घर पर रखा। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और महेश कुशवा मेरे साथ जबरदस्ती अच्छा 164 भी है जी रोशन, उसमें क्या कहा है यही कहा है ना, और कोर्ट में क्या कहा है? चलो अब कोर्ट का पढ़ दो जी। मैं दिनांक 24/10/2013 को सुबह 5 पानी भरने के लिए 27 बस स्टैंड पर पानी भरने गई थी। वहां पर मुझे अर्चना मिली। अर्चना ने मुझसे बोला कि चलो बाहर तक घूमकर आते हैं। अब अर्चना का नाम देखो तीनों जगह आया है जी, 161 में, 164 में और कोर्ट में जी। तो आप तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। सिर्फ हम पे घूमने के लिए ले जाने का एप्लीकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। घूमते घूमते कहाँ ले गए उसको बता तो रही हो। दो किसकी लॉर्डशिप यहाँ से बिल कर किसकी हुई है? एक तो ये लॉर्डशिप संजू संजय और दूसरी नरेंद्रपुर। संजू और संजय और संजय संजू संजय और नरेंद्रपुर नरेंद्र पुरोहित जी रोड। उनके खिलाफ क्या एलिगेशन था? यही इन्हीं के खिलाफ एलिगेशन है। ये हमें साथ में लेके गए और यहाँ पे मैन एलिगेशन ये कि हम इन्हें सब खाना दे देते हैं। जजमेंट में ये आया। अच्छा आप इन सबकी देखभाल करते थे? अच्छा कहाँ किस ऑर्डर से हुई है? संजू की ऑर्डर से भी है। अपील नंबर 78/32/21/13/4/22 कौन सा है? नरेंद्र का है। लॉर्डशिप 777/4/21 जजमेंट डेट है 13/4/22 इसमें क्या 161/164 में वेरिएशन है क्या? बस 161/164 नहीं है और इस इंसिडेंट की जो शुरुआत है वो प्रेजेंट अधिकांश होती है। ये इसको ये पानी भरने गए थे वहाँ से, ये फर्स्ट टाइम ये उनको ले गए और ले जाकर के उनको जिसने लिफ्ट किया मैंने महेश उसको सपोर्ट किया और उसके बाद भी उसकी चौकसी करती थी, वहाँ खाना भी खिलाती थी जी। तो मतलब इंसिडेंट मतलब वो चूँकि इस केस में एज उसकी बिलो 89 प्रमाणित हुई है कि उसकी ये नाबालिग थी, उसकी एज बिलो 18 उसको बेला फुसला करके ये ले गई चलो आपको घुमा के लाते हैं। और जो महेश है इसमें मैंने उस पर उसके द्वारा रेप करना बताया गया, उसने वहाँ जाकर उसको कमरे में रखा। और ये जो संजू और नरेंद्र है इनके द्वारा ये कहा गया था कि आपको शादी करा, ये इनका एलिगेशन। उनको ले जाने का एलिगेशन नहीं है कि संजू और नरेंद्र उसको ले गए, ये गए। इसमें जो आई विटनेस है महेश कुशवा तीनों स्टेटमेंट्स में आपका ही नाम लिया है। इसमें दो लोग मेल है अर्चना और महेश। अर्चना इनको मैनिपुलेट करके ले गई और महेश ने रेप किया। दो लोग और हैं उनके खिलाफ रेप के एलिगेशंस नहीं है। उन्होंने एश्योर किया कि भाई शादी करवा, अभी कुछ दिन आप रहो। मैं माना नहीं है इसने जो आप पढ़ना प्रिंसिपल पूछेंगे हमें में कितना पनिशमेंट दिया आपको? फिर वो तो मैंने पढ़ लिया। संजू नरेंद्र के खिलाफ एलिगेशन ले जाने का नहीं है, केवल शादी कराने का आश्वासन देने का, रेप का भी नहीं है। रेप का एलिगेशन अगेंस्ट महेश और
आप उसे सूत्रपात, आपने ही बच्ची को मैनिपुलेट करके महेश के द्वारा ये काम करने दिया। पॉक्सो में भी है, पैरा 46 पॉक्सो में भी है, नहीं चोरी हो गई पॉक्सो कितना हो, 4 महीने तो रहे हो टोटल, 260 दिन से ज्यादा हो, 4 महीने रहे हो, 260 दिन से ज्यादा, 260 दिन से ज्यादा कष्ट हो, 6 months